अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये डायलॉग आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। तो दोस्तों, आज हम यही देखने वाले हैं, कोई छोटा सा भी धंधा कितना बड़ा बन सकता है और कितना बड़ा किया जा सकता है। सो क्या लगता है आपको, एक च्युइंगम बेचने वाला इंसान कितना बड़ा बिजनेस कर सकता है? सो शायद कोई बोलेगा कोई हजार कमाएगा, कोई बोलेगा कोई लाख तक जाएगा, कोई करोड़ तक जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक च्युइंगम बेचने वाले इंसान ने फॉर्च्यून 500 में जाके अपना स्थान वहां पे फिक्स किया है। तो आप सोच सकते हो कि कोई छोटा भी धंधा कितना बड़ा बनाया जा सकता है। हाँ दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं च्युइंगम की स्टोरी, रिग्लीज च्युइंगम। तो ये इतनी बड़ी कंपनी, वर्ल्ड की पॉपुलर कंपनी है आज के जमाने में, और इन्होंने कहां से कहां तक अपनी सफर की, कहां से कहां तक अपना जर्नी स्टार्ट किया। तो आज देखेंगे हम च्युइंगम की स्टोरी। हाय दोस्तों, आई एम केडी सुषमा, आई एम एंटरप्रेन्योर, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। च्युइंगम अगर हम देखें भी प्रोडक्ट को, तो भी कितना छोटा सा प्रोडक्ट है ये, आता भी कितने छोटे रुपए में भी है, और वो खाते बहुत बड़े मजे से लोग खाते हैं। तो आप क्या सोचोगे कि एक च्युइंगम बनाने वाली कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है, या उनका प्रोडक्शन कितना बड़ा हो सकता है, या फिर अगर वो बड़े भी हो गए तो भी कितने कंट्रीज में, कितने सिटीज में वो व्यापार कर सकते हैं? क्योंकि उनका प्रोडक्ट ही इतना बड़ा नहीं है, तो कितना भी बेचोगे तो भी वो कितना कमा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, रिग्लीज च्युइंगम की स्टोरी हमें बताती है कि आप कितने से कितने भी बन सकते हो, अगर आपके पास सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो, मार्केटिंग का स्किल्स भी हो, और आपकी सोच भी उतनी बड़ी हो। सो रिग्लीज मतलब ये बोला जाता है, विलियम रिग्ली इस नाम के इंसान ने रिग्लीज च्युइंगम का ओरिजिन किया। 1861 विलियम रिग्ली का जन्म हुआ था। उस जमाने में उनके पापा का एक साबुन बनाने का व्यापार चलता था, उनकी साबुन बनाने की एक फैक्ट्री थी, और एक छोटा सा रिग्ली भी उस फैक्ट्री में काम किया करता था। तो साबुन बनाने का जो प्रोसीजर था, अगर वो उनको दिया गया तो वो ज्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनका ज्यादातर इंटरेस्ट था मार्केटिंग में, मतलब वो साबुन बेचे कैसे, उसमें वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे। और वो छोटा सा रिग्ली तभी भी 13 साल की आयु में वो साबुन बेचने का भी काम करता था, और बहुत सारे लोग उनको ये स्किल देख के बहुत भी सरप्राइज थे कि मतलब वो छोटा सा लड़का कितने अच्छी तरीके से बिक्री कर रहा है साबुन की, मतलब बेचना उनको बहुत अच्छी तरीके से आता था। अभी उनके मतलब हिस्ट्री में ये भी कहा जाता है कि वो साबुन तो बेचते थे, 30 इयर्स के जब भी वो थे तब वो शिकागो को आए थे, मतलब उनकी वाइफ और वो शिकागो को ट्रांसफर हुए थे, और शिकागो में आने के बाद उन्होंने खुद की फैक्ट्री ओपन की थी साबुन बनाने की, मतलब वो साबुन बना के फिर बेचने लगे। साबुन बेचने के बाद फिर भी ये कहा जाता है कि जैसे मार्केटिंग के तौर पे वो ज्यादा काम किया करते थे, तो मार्केटिंग में ये भी होता है कि अगर ये एक प्रोडक्ट का सेल्स आपको बढ़ाना है तो कुछ तो चीजें उसके साथ फ्री दी जाती है। तो रिग्ली ने उस जमाने में भी ये टेक्निक अप्लाई किया था, साबुन के साथ वो बेकिंग पाउडर फ्री देते थे, और बेकिंग पाउडर मतलब फ्री देते देते ऐसा भी हुआ कि साबुन बेचना बाजू हो गया, फिर वो बेकिंग पाउडर बेचने लगे, और बेकिंग पाउडर का सेल बढ़ाने के लिए उन्होंने उनके साथ च्युइंगम फ्री देना चालू किया। तो अगर आप इतनी बेकिंग पाउडर खरीदी करोगे तो उसके साथ इतने च्युइंगम आपको फ्री दिए जाएंगे, और इसीलिए वो च्युइंगम का सेल भी बढ़ता गया। और फिर ये हुआ कि बेकिंग पाउडर देना बेचना उन्होंने बंद किया, अभी वो च्युइंगम के यहाँ पे आए, मतलब उन्होंने च्युइंगम बेचना चालू किया। लेकिन दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि च्युइंगम उन्होंने खुद के फैक्ट्री में बनवाए नहीं थे, मतलब क्योंकि उनका प्रोडक्शन करने का कोई भी मतलब इंटरेस्ट नहीं था, वो आउटसोर्सिंग किया करते थे च्युइंगम का, गम भी एंड कलर भी, रैपर्स भी, और वो फिर पैकिंग करके वो बेचने का काम रिग्ली किया करते थे। अभी आगे जाके उन्होंने च्युइंगम बनाने के फैक्ट्री के साथ पार्टनरशिप की, और वो कंपनी मतलब बहुत बड़ी बन गई। अभी च्युइंगम बनाने की फैक्ट्री बहुत अच्छी चलने लगी थी, उनका सेल भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, और रिग्ली का एक मतलब ऐसे वैशिष्ट्य कहा जाता है, विशेष कहा जाता है, उनका मार्केटिंग स्किल बहुत ही बढ़िया था, मतलब मार्केटिंग पे उन्होंने इतनी मास्टरी करके रखी थी कि उस कंपनी में च्युइंगम बनाते कैसे जाते हैं, उसमें R&D कैसे किया जाए, या मतलब इनोवेशन कैसे लिया जाए, इसके ऊपर उनका कोई भी ध्यान नहीं रहता था, जो भी है उनका पार्टनर जो भी है वो देखता था। लेकिन रिग्ली का पूरा के पूरा ध्यान सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर बना रहता था कि मार्केटिंग कैसे बने, क्योंकि उनका ये कहना था कि प्रोडक्ट कैसा भी क्यों ना हो, अगर आप उसकी बिक्री अच्छे तरीके से करो तो शायद बहुत बड़ा बिजनेस आप कर सकते हो। रिग्ली मार्केटिंग के पर्पज के लिए बहुत सारा ट्रैवल भी करते थे, और उनके स्टोरी में ये भी कहा गया है कि अगर पूरे साल में 365 डेज भी अगर हमने देखे, तो आउट ऑफ दैट 137 डेज उन्होंने सिर्फ ट्रेन के पटरी पे बैठे हुए गुजारे हैं,
इतना उनको मार्केटिंग करना पड़ता था। तो रिग्ली की कंपनी बहुत बड़ी भी हो गई, और आपको भी पता है कि मार्केट में कंपटीशन तो हमेशा आती है। वैसे एक अमेरिकन कंपनी ने भी रिग्ली की चुंगम को कंपटीशन दिया था। उस अमेरिकन कंपनी के कंपटीशन को देखते रिग्ली के मन में एक सोच भी आई थी कि क्यों ना इस रिग्ली चुंगम कंपनी को बेच दिया जाए और आराम से अपना जीवन बिताए। जैसे हमारे भी सोच है ना कि कुछ ना किए भी आराम से जिए। लेकिन ये सवाल में मतलब वो कंफ्यूज थे कि क्या करें, उनको पता नहीं चल रहा था। इसलिए उनके 6 साल के लड़के को उन्होंने पूछा कि क्या करें इसके बारे में, और उस लड़के ने 6 साल के लड़के ने बताया उनको कि मैं ये बिजनेस आगे चलाने वाला हूँ। और रिग्ली का डिसीजन वहां पे फाइनल हो गया, बेचने का तो वो डिसीजन ही खत्म हो गया। और उसके साथ कैसे मुकाबला किया जाए उसके ऊपर वो ज्यादा सोचने लगे, और दोस्तों वो उसमें सक्सेसफुल भी हो गए। रिग्ली के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक जमाना था कि वो सिर्फ जेब में $32 लेके आए थे, और विद इन 30 ईयर्स ऑफ स्पैन वो पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर हो गए, अमीर भी बन गए और उनकी कंपनी भी वर्ल्ड पॉपुलर हो गई। तो दोस्तों हमें इसमें एक सीख भी हमें मिलती है कि अगर आपके जेब में अभी क्या है और कितने पैसे है, इसके ऊपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं किया जा सकता। और अगर आपको आपकी अभी की कंडीशन के ऊपर अगर कोई बोलता है कि आप कुछ नहीं बन सकते तो शायद ये गलत हो सकता है। तो उसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा कि इतिहास हमें क्या बताना चाहता है, जैसे वर्ल्ड के पॉपुलर ब्रांड हमें क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जर्नी भी इतनी आसान नहीं थी जितना हम सोचते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया था, इसीलिए आज वो यहाँ पे खड़े हैं। तो दोस्तों हम भी ऐसे बन सकते हैं अगर आपकी सोच आप इतनी बड़ी रखते हो तो। तो रिग्लीज के स्टोरी से हमें यह भी पता चलता है कि अगर आप छोटा सा प्रोडक्ट भी क्यों ना मार्केट में लेके आते हो, लेकिन अगर उसका मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से सही तरीके से किया जाए तो आप कितनी बड़ी कंपनी बना सकते हो। रिग्लीज के प्रोडक्ट्स अभी 180 कंट्रीज में बेचने के लिए चालू हुए थे, मतलब वर्ल्ड पॉपुलर ब्रांड तो बन ही चुका था लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरी दुनिया में चालू हुए थे। उनके फैक्ट्रीज बहुत सारे कंट्रीज में ओपन किए गए थे, उनके सेल्स बहुत सारे कंट्रीज में चालू हुए थे। एक रिग्लीज का सक्सेस मंत्रा भी कहा जाता है कि रिग्लीज इतना सक्सेसफुल क्यों हो गया। सो एक समय था कि जब रिसेशन आया था मार्केट में और रिग्लीज का सेल्स और कंपनी बहुत बैंकरप्सी में चल रही थी, मतलब उनके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं बचा था, उनके हालात बहुत खराब थी कंपनी की, और हालात खराब होने के कारण वो किसी का कर्जा नहीं चुका पा रहे थे। और फिर भी ऐसे ही हालात में उन्होंने उनके अकाउंटेंट को कहा था, जब उनके कंपनी में से $20 ही बचे थे तो उन्होंने कहा था कि इसमें से $10 आप लेके जाओ, शायद आपके काम आए। मतलब दोस्तों ये कहा जाता है कि रिसेशन के ऐसे टाइम में भी रिग्ली ने कभी गिव अप नहीं किया था। और हम है कि इकोनॉमी अगर डाउन चली हो, मार्केट अगर मतलब बहुत डाउन चल रहा है, अभी कोरोना का संकट इतना चल रहा है, तो हमारी सोच कहाँ पे चलती है कि अभी बिजनेस का कुछ मतलब अच्छा नहीं होगा, इकोनॉमी इतनी बुरी चल रही है तो हम आगे जाके क्या करेंगे। और ऐसे ही मतलब सोच में आप शायद आगे कुछ सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी रिग्ली ने सोच इतनी बड़ी रखी थी कि रिसेशन भी क्यों ना हो लेकिन फिर भी वो बिजनेस करेगा और बहुत बड़ा करेगा। तो ये कहा जाता है कि उसका सीक्रेट ये भी है कि रिग्ली को कभी गिव अप करना पता ही नहीं था, और उसके डिक्शनरी में कभी इम्पॉसिबल वर्ड आया भी नहीं, क्योंकि वो उनके सेल्स टीम को भी मतलब बहुत अच्छी तरीके से सुनाते थे कि अगर किसी ने बोला कि ये काम मुझे करके दो, और अगर उस आदमी ने जवाब के तौर पे कहा कि हाँ ठीक है, अगर मतलब हुआ तो मैं करके देता हूँ, या आई विल ट्राई, सो ये ट्राई भी उनको पसंद नहीं था। वो हमेशा क्या कहा करते थे कि ट्राई नहीं करना है, मुझे ये करना ही है, ऐसे ही कहो तब जाके ये काम होगा। दूसरा सीक्रेट मंत्रा उनके स्टोरी में यह भी बताया जाता है कि उनके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर वो बहुत काम करते थे। उनके सेल्समैन जो भी थे मार्केटिंग करने वाले, उनके डूज एंड डोंट्स उन्होंने पहले से ही देखे रखे थे। कस्टमर के साथ कैसे पेश आए, उनके साथ कैसे व्यवहार करे, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है कस्टमर के वो कितने शांति से सुने, और जो भी अगर कस्टमर कितना भी ये क्यों ना करे तो भी आप ठंडे दिमाग से उनसे अच्छी बातें कैसे करें, वो हमेशा उनके सेल्समैन को बताया करते थे। और जो अभी के जमाने में बहुत सारे मार्केटिंग के फंडे हम सुनते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करे, CRM कैसे फॉलो करे, दोस्तों ये सारी बातें रिग्ली उसी जमाने में फॉलो करता था। मतलब ये भी हमें पता चलता है कि रिग्ली दुनिया से भी आगे देखने वाला था। और आज ये कि हम आज के जमाने में ये सारी बातें होके भी हम हमारे बिजनेस में कितना फॉलो करते हैं। लेकिन है कि 1920 का जमाना वो था, रिग्ली तब जाके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फॉलो करता था। सो दोस्तों ये भी सीख मिलती है कि हमेशा 2 कदम आगे की सोचना सीखो, 2 कदम आगे देखना सीखो, तब जाके शायद आपका बिजनेस आप भी नहीं सोचोगे कितना बड़ा बन जाएगा।
सो दोस्तों रिगली की स्टोरी हमें यही बताती है कि एक सेंट से चालू किया एक प्रोडक्ट उनकी कंपनी में था, वहां से आज तक का वर्ल्ड पॉपुलर ब्रांड विद इन 180 कंट्रीज में चलता है और इतना बड़ा बिजनेस करने का सीक्रेट सिर्फ इतना ही बताया गया है, उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, उनके मार्केटिंग स्किल्स। क्योंकि रिगली सिर्फ इस यहाँ पे ध्यान देता था, अगर मेरा इंटरेस्ट मार्केटिंग में है तो मैं उसी के ऊपर फोकस करूंगा कि मैंने बनाया हुआ प्रोडक्ट सर्विस जो भी कुछ है मार्केट में कैसे अच्छे तरीके से लाए। तो दोस्तों बस मुझे अभी ये कहना है आपको, इस स्टोरी से भी मुझे पूरा पता चला कि हम लोग जो भी है हम हमारे ऊपर कमियां ढूंढते हैं हमेशा, कि अगर मैं बिजनेस करना चाहता हूं तो मेरे पास मार्केटिंग का स्किल नहीं है, शायद मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग का स्किल नहीं है, शायद मेरे पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, मेरे पास ये नहीं वो नहीं। लेकिन शायद कभी आपने देखने की कोशिश की है कि आपके पास अच्छा क्या है, और शायद अगर आप अपने अच्छे पे अगर काम करें तो आपका बिजनेस कितना बन सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। तो रिगली ने वही किया, अगर वो मार्केटिंग में बहुत अच्छा था तो उन्होंने प्रोडक्शन के लिए दूसरे को हायर किया, शायद एचआर अकाउंटिंग के लिए दूसरे को हायर किया, और उन्होंने पूरा फोकस अपना सिर्फ मार्केटिंग और मार्केटिंग पे ही दिया। सो दोस्तों ये सीख बहुत कुछ सिखा देती है हमें कि जो आपके पास है उसी के ऊपर मास्टरी करो, उसी के ऊपर ही काम करो, और उसी को लेके आपके बिजनेस में आप कितना बड़ा बन सकते हो ऐसे उसके ऊपर काम करो। और रिगली की स्टोरी हमेशा यही एंड करती है कि लाइक एक चुंगम से लेके भी, मतलब एक छोटी सी चीज को भी लेके दुनिया में इतना बड़ा इतिहास क्रिएट किया जा सकता है। सो ये सोच मत रखो कि अगर ये छोटा सा प्रोडक्ट है एक रुपए का, दस का या सौ का, तो ये कितना बड़ा बिजनेस कर पाएगा। ये जरूर कर पाएगा, अगर आपकी सोच वैसी है तो कर पाएगा। सो दोस्तों रिगलीज की स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है, अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो जो है उसके ऊपर काम करो और फिर जाके बिजनेस करो। आज हम यहाँ पे खत्म करते हैं रिगलीज चुंगम की स्टोरी को, कल मिलेंगे और दूसरे स्टोरी के साथ। जैसे आपने भी अभी तक सुना होगा, छह स्टोरीज आज के डेट पे हमारे खत्म हो गए हैं और इन छह स्टोरीज ने भी हमें बहुत कुछ सीख दी है, और ये सारे के सारे स्टोरीज जिनके हमने बताए वो सारे फॉर्च्यून 500 से कंपनी है। मतलब मुझे बहुत हमेशा सरप्राइज लगता है कि क्यों अमेरिका के ही इतने सारे ब्रांड्स, इतने सारे कंपनीज में फॉर्च्यून 500 में आती है, क्यों ना इंडिया की कंपनी वहां पे बन जाए, या इंडिया की कंपनी कोई ज्यादा तौर पे वहां पे क्यों नहीं जाती। तो बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है इसके ऊपर, हमें वो जरूर सीखने चाहिए, काम भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे में उतना सारा पोटेंशियल ऑलरेडी है। सो दोस्तों बस अपने पोटेंशियल पे काम करो और जरूर आप एक दिन उससे भी ज्यादा बड़ा बन पाओगे। सो दोस्तों हम यहाँ पे खत्म करते हैं, कल मिलेंगे दूसरे नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी अगर बातें करनी है तो कमेंट में आप लिखते जाना, हम उसका जरूर आपको आंसर देंगे। Stay safe at your home, take care of your family and your own, and be productive. Don't waste your time by seeing only news and other things and only thinking that how I can't do. Instead, think how I can do. Take care, God bless you, take action. Thank you.